नमस्कार, आप देख रहे हैं भद्रकाशी दर्शन चैनल और मैं हूं मोहित कोतवाल। आज मैं आपको लेके आया हूं भिज्जा के गांव में। यहां पे मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं कि यहां आने की, क्योंकि कल्चर जो है यहां पे काफ़ी मतलब कि पुराने टाइम से जैसे चलता आ रहा है वैसे ही यहां पे अभी तक चलाया जा रहा है। आप अभी देख रहे हैं यहां पे आज जग का प्रोग्राम है। जग यानी कि भंडारा दिया जाता है हर साल इस महीने में, जो है यहाँ पे भंडारा जग दिया जाता है। हमारी भाषा में जग कहते हैं, बाकी भंडारा कहते हैं। वो इसलिए दिया जाता है कि मौसम जो है, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मौसम जो है वो अच्छे से रहे, अच्छा मौसम रहे, टाइम टाइम की बारिशें हो, टाइम टाइम का धूप हो, तो अब जो यहाँ पे किसान है उनका अच्छा सिस्टम चले। आप देखिए अब आगे का प्रोग्राम, बाकी बातें करेंगे बाद में। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ मैं। देखिए इस तरफ जो है भंडारा जो है वो बन रहा है, प्रसाद जो है उसको बनाया जा रहा है। तो इस तरफ चलते हैं कि क्या क्या काम यहाँ पे जो है वो हो रहे हैं। अभी तक सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए जो लोग आए हैं वही आए हैं। शाम को जब यहाँ पे भंडारा शुरू होगा उस समय फिर काफ़ी जनता जो है, काफ़ी लोग बच्चे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो भंडारा है, जो लंगर यहाँ पे बनाया जा रहा है जिसको कि हमारी भाषा में जग कहते हैं, तो वो जग जो है वो दिया जा रहा है। ये जग इसलिए दिया जाता है कि हमें समय समय पे बारिशें मिले, समय समय पे धूप मिले, यानी कि मौसम के हिसाब से इसको दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है लकड़ी को जो है काटा जा रहा है पूरे ट्रेडिशनल तरीके के साथ, जो है इस इधर भोजन को जो है वो बनाया जाता है। आग के ऊपर आप उस तरफ देख रहे हैं, हमारी भाषा में बल्टोई कहते हैं और सगला डोगरी में और सारी भाषाओं में कहते हैं। तो हमारे साथ हैं अभी यहाँ पे, ये देखिए कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, इनके साथ थोड़ी गप लगाते हैं ज़रा। क्या क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद,
तो कितना मजा आता है आपको जब आप मंदिर आते हो यहाँ पे काम करते हो तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ जी। खुशी होती है बहुत। ये तो नहीं लगता कि भला हमारा दिन टूटा जी आज ना, मंदिर ना, बहुत खुशी। अच्छा, बहुत खुशी के साथ करते हैं आप, हाँ जी। तो क्या क्या आज यहाँ पे क्या क्या आप बना रहे हैं इसमें? खीर बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, खट्टा बना रहे हैं। अच्छा, चावल बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। क्या नाम बताया आपने अपना? राजेंद्र प्रसाद। अभी आपने बात की राजेंद्र प्रसाद जी से, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे फादर जी जो हैं ये भी पूरे अपने जो है भक्ति भाव से लगे हुए हैं। आप देखिए इस तरफ जो है दूध वगैरह देसी दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी गांव के जो लोग हैं अपने अपने घरों से देसी जो गाय का दूध है उसको भी लाएंगे खीर के लिए, लेकिन जो कमी पेशी होती है उसके लिए ये दूसरा दूध भी लाया जाता है। आइए मैं भाव को अंदर ले कर चलता हूँ। कुछ हमारे जो है कारकुन वो यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, कुछ प्याज काट रहे हैं। पाजी जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कौन आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। राधे राधे। बस बस। ये हमारे फादर जी हैं, पुजारी हैं, पुजारी जी की खानदानी से हैं ये। बारी बारी से इनको जो है मंदिर की पूजा मिलती है। कितने साल के बाद आपको पूजा आती है? आपको भी आती है पूजा? साल के बाद आती है, साल के बाद। एक साल के बाद कार्तिक महीना जो होता है। अच्छा, हाँ, तो उसमें फिर आप पूजा करते हैं इस मंदिर की। तो ये जो जग है जो आज यहाँ पे दिया जा रहा है तो किस लिए देते हैं ये जग? ये ऐसे मतलब भंडारा होता है, गाँव मिलकर होता है, अपना अपना भाईचारा जो है तो मिलकर इस वासी नाल जी का भंडारा दिया जाता है। मैंने सुख शांति, सुख शांति, मौसम अच्छा रहे, हर कोई सुख शांति। हर साल आप इसको यहाँ पे देते हो जग को। तो जो पैसे का अरेंजमेंट है ये आप अपना एक ही भेजा गांव करता है या बाहर से भी लोग की आप चंदा करने भी जाते हैं या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, दो गांव है और जो वहाँ पर भेजा जिसमें अगर कुछ श्रद्धालु और कोई मन साथ नहीं लगाएगा जी जी दे देगा अपना इच्छा देखो। अच्छा, तो हर साल आपने बात की श्री पुरुषोत्तम पादा जी से जो कि भगवान वासुकी नाग जी के पुजारी हैं। करेंगे, अभी पूरा दिन है, काफी बड़ी वीडियो पढ़ने वाली है ये, तो धैर्य रखिए और धैर्य से वीडियो बनाए। अभी आप देख रहे हैं कि हम जो है ये प्याज इसको काट रहे हैं हम दाल के लिए और खट्टे के लिए। कुछ प्याज कट गए और कुछ अभी हम काट रहे हैं। तो अभी और भी पूरे दिन का जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाएंगे कि पूरे दिन क्या क्या आज फंक्शन कैसा कैसा रहेगा। और ये हमारे कल्चर की एक कल्चर का प्रोग्राम है हमारा, प्राचीन काल से चलता आ रहा है ये। कोई आज या 10 साल या 20 साल नहीं हुए इसको देते, इसको कम से कम जिस समय के ये मंदिर है उसी समय से जो है ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा जग है या जाकुम है या प्रसाद या जो भी मेला, ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है और कोशिश करते हैं कि आगे भी चलता रहेगा। और हमारा जो यूथ है उससे यही गुजारिश है कि जिस प्रकार से बुजुर्गों ने ये सब फंक्शंस को चलाया है, ये जो हमारे कल्चर के प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी विधि विधान से पूजाएं होती है, तो ये जो है वो भी आगे इसी तरह से चलाते रहे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी की पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले समय में शायद इन वीडियोस को देख के कुछ आदमी भूल जाता है या इस समय में जो हमारा यूथ है वो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे उसके बाद वो बोलेंगे कि हाँ वहाँ से देख के शायद हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाए। अभी हमारे साथ हैं पादा खानदानी के पुजारी जिनको कि इस महीने की जो पूजा है वो मिली है। पहले क्या होता था कि काफ़ी देर तक एक आदमी पूजा करता था, लेकिन परिवार जैसे बढ़ता जाता है तो उसके बाद फिर पूजा भी बांटी जाती है भाइयों में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं भी पूजा करूं। तो वो बारी बारी हर महीने साल के बाद एक आदमी को वो पूजा आती है। तो इस महीने की जो पूजा है वो श्री ओमकार पादा जी के पास है, तो इनसे थोड़े से मंदिर के बारे में पूछते हैं कि कितनी देर इनको पूजा करते हुए हुई और इनके बुज़ुर्ग इस मंदिर के जो है पहले पुजारी रह चुके हैं उसके बारे में इनसे जानते हैं। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार।
पुजारी जी कितने साल हो गए आपको? देखो मेरी एज है 70 साल, तो मुझे पूजा करते हुए 50 साल। 50 साल से आप सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। तो उससे पहले आपके मेरे पिताजी करते थे, फिर उनके पिताजी करते थे। मतलब पीछे से। तो अभी आपको कितनी देर के बाद पूजा आती है? एक साल के बाद एक महीने के लिए आपको पूजा आती है। तो आप सुबह शाम यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सुना है कि अभी तक वो जो सुबह नौबत है, नगारे भी बजते हैं सुबह डेली डेली सुबह बजते हैं। और वो कौन बजाता है? ये ऊपर भेजा वाले, ऊपर जो यहाँ ढोल बजाते हैं, बजंतरी जो है वही बजाते हैं, अपनी मतलब की जो पुरानी रूटीन वो बराबर बरकरार। कहते हैं कि पहले बाजार में, गाठा में और नालठी में भी इसी प्रकार से पूजा होती थी, नगारे बजते थे। लेकिन अब वहाँ वो छूट गए, लेकिन यहाँ बजते हैं। यहाँ पे अभी भी सुबह नगारे जो है मैनुअली आदमी खुद आके बजाता है, कोई वो लाइट के साथ खुद पूरी रूटीन रोज। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वैसी ही जैसी बाजार में जो मूर्तियां हैं उसी मतलब की शेप की, उसी डिजाइन की जो ये मूर्तियां हैं वो यहाँ पे विराजमान है, लेकिन छोटे साइज जो है वो मूर्तियों का छोटा आप देख रहे हैं। यहाँ पे जीवतवान जी की मूर्ति सेम वैसा ही मुकुट, वैसे ही नाग इनके मुकुट जो है वो बनाए गए हैं, और यहाँ पे भगवान वासुकी नाग जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, और यहाँ पे माला छड़ी जो कि आशापति यात्रा के लिए जो कि ली जाती है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं शिवलिंग जो है यहाँ पे, जिस प्रकार से आपने बास्केदेरा में देखा होगा वैसे ही यहाँ पे भी गणपति भगवान जी की भी मूर्ति है। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं भगवान वासुकी नाग जी और जीवतवान जी की मूर्तियाँ, और ये हमारी भाषा में जो भद्रवाही लैंग्वेज में इनको नागाबास का भी कहते हैं, इनको वासुदेव स्वामी भी, ज़्यादा वासुदेव स्वामी ही बासक भी कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे भगवान वासुकी नाग जी और जीवतवान जी की मूर्तियाँ। Thank you.
लंगर भंडारा प्रसाद बन के हो चुका है तैयार। अब 4 बजे के बाद जो है ये भक्तजनों में बांटा जाएगा, परोसा जाएगा। सबसे पहले इसकी जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी बलि जो है यानी कि घास के ऊपर वो जो ये प्रसाद बना है इसको चढ़ाने के बाद उसके बाद फिर भक्तजनों में इसको बांटा जाता है। आइए मैं आपको दिखाऊँ कि क्या यहाँ पे बना हुआ है भंडारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बड़े बैग में जो है क्या बना है पादाजी, इसमें खीर बनी। आप देख रहे हैं इसमें जो है खीरन जो है वो बनाई गई है, खीर और भद्रवाही में खीरन। ये देखो प्योर दूध की अपने की है नहीं, प्योर दूध की। और इसमें चावलों के लिए पानी, बिल्कुल ये चावलों के लिए पानी है। और ये इसमें आप देख रहे हैं बूर का खट्टा है, खट्टा ये और ये देखिए आप सगले की और हमारी भाषा में बुलटोई की दाल, किसकी दाल बनाई है, मूंगी दाल है, मूंगी दाल, हरी दाल। ये देखिए तो देखिए आपने देखा कि भंडारे में क्या क्या जो है वो बनाया गया है यहाँ पे। अभी इसके बाद अभी हवन होना है, हवन के बाद फिर लोग आएंगे और उसके बाद जो है प्रसाद जो है वो ग्रहण करके फिर अपने अपने घर जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पूरी का पूरा जो आज का कार्यक्रम है वो आप तक पहुंचाऊं और आपको घर बैठे जो इधर का आनंद है, जो यहाँ के दर्शन है या जो भी भोजन बन रहा है वो आप तक सब कुछ वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हैं यहाँ पे, पहले भी हमारी बात हुई इनके साथ, पुजारी भी हैं यहाँ के। पाल जी पहले वो बनाते थे चंबा में, कहते हैं वो सिड्डू हमारे यहाँ पे लड्डू बोलते हैं, तो उनको क्यों बंद कर दिया? वो बंद हो गया क्योंकि बनाने में दिक्कत है ना उनको। ठीक, आजकल कोई ट्रेंड नहीं है उस मामले में। ठीक, तो आजकल बंद कर दिया। पुरानी चीज़ें मतलब कि खत्म होती जा रही है ना, ऐसे उसको आदमी लगते हैं पढ़ता नहीं, लोग उसको पसंद भी नहीं करते, पसंद नहीं करते। आज के नहीं करते, बस आज पुराने हम तो करते हैं पसंद, लेकिन जो आज नई जनरेशन है वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते। हाँ, ये क्या बनाया? वो आटे का वो उसको मतलब वो लड्डू बनाकर फिर उसको पानी में डालना पड़ता है, उसमें घास डालते हैं, घास डालना है, घास जैसे मोमोज बनते हैं वैसे। कल हम जाएंगे, कल हम जाएंगे कटियाड़ा में भी जग है और परसों बमलखी में भी जग है, एक ना एक जगह पे वो जरूर बने होंगे और आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसेस, उसकी एक अलग से वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हवन का आयोजन जो है वो किया गया है, हवन यहाँ पे किया जा रहा है। हर साल इसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो चेले और बजंतरी और जो मंदिर के पुजारी है वो इस हवन में बैठ के और हवन किया जाता है। प्रणाम जेवम तुम श्रद्धा शतम हरिओ माशीर्वादेन वि प्रणाम जेवम तुम श्रद्धा शतम पश्यम तुम श्रद्धा शतम ओम जीवम तुम श्रद्धा शतम पश्यम तुम श्रद्धा शतम हरिओम जीवम तुम श्रद्धा शतम पश्यम तुम श्रद्धा शतम ओम जीवम तुम श्रद्धा शतम पश्यम तुम श्रद्धा शतम हरि ओम जीवम तुम श्रद्धास्ति गौब्रह्मताय जगधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः आशीर्वादेन विप्रणाम जीवम तुम श्रद्धाशतम पश्यम तुम श्रद्धाशतम हरि ओम जीवम तुम श्रद्धाशतम पश्यम तुम श्रद्धाशतम हरि ओम जीवम तुम श्रद्धाशतम पश्यम तुम श्रद्धाशतम ओम जीवम तुम श्रद्धाशतम हरि ओम जीवम तुम श्रद्धाशतम पश्यम तुम श्रद्धाशतम ओम ओम अवायामिहं तत्कुण्डम विश्वकर्म विनर्तमं शरीरम यच दिव्य अग्निधिष्ठामोद्भुतं यच कुण्डे सिता देवा कुण्डांगे यश्च देवता हृद्यम याचन्तु ते सर्वे यज्ञ सिद्धम इदुविन्ता हे कुण्डतो रूपं तु रचितं विश्वकर्मणा अस्माकं वाचितं सिद्धम यज्ञ सिद्धिर्दासौ च ओम ऋग्वेदं स्थापयेत् पूर्वे हरि ओम ऋग्वेदं स्थापयेत् पूर्वे हरि ओम ऋग्वेदं स्थापयेत् नारायणाय भवाय देवाय पार्वती सहिताय परमेश्वर राय विनायकाय वल्भासहिताय श्री महागणेशाय हरा हरि सूर्याय सहस्रनामने देव्यै भवानी विष्णु पंचायतं देवताभ्याम क्रोमी स्वाहा स्वाहा सब जन जोले ओम श्रीयै स्वाहा।
स्वाहा, ओम सरस्वती स्वाहा, ओम लक्ष्मी स्वाहा, ओम विश्वकर्मा देवताभ्यः स्वाहा, ओम चतुर्वेश्वराय स्वाहा, ओम स्नेहचराय स्वाहा, ओम ऋतुपत्ये नारायणाय स्वाहा, ऋतुपत्ये नारायणाय स्वाहा, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम त्र्यंबकाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम यज्ञ पुरुषाय स्वाहा, ओम अग्निश्वर दिव्या स्वाहा, ओम गणपति राहु देवता व्यास स्वाहा। नमामि शिवम महाभागवतम नमामि। ओम होम जूम सहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा। एव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम ब्रह्मा शांति, विष्णु शांति, रुद्रा शांति, पृथ्वी शांति। ओम आदित्य स्वाहा, ओम आदित्य स्वाहा, नौ छिक जात। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो जो है वो समाप्त करते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ भद्रवाह के कल्चर और भद्रवाह की जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको देखने के लिए, कैमरामैन मगर सिंह जी के साथ। जाग में स्टैंडर्ड चाहिए।